गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी शॉर्ट बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज एडी करंट्स। सो इन इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू से दैट एडी करंट्स आर ऑल्सो इंड्यूस्ड करंट। एडी करंट्स आर ऑल्सो इंड्यूस्ड करंट। अभी तक आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा इन जनरेटर्स, इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। जनरली वी वाउंड ए कॉयल ऑन ए मेटालिक फ्रेम। ओके, दिस मेटालिक फ्रेम इज नॉन एज कोर, मेटालिक कोर। सो व्हेन फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द कॉयल, ऑब्वियसली द सेम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू मेटालिक कोर ऑल्सो और मेटालिक ब्लॉक ऑल्सो। तो मेटालिक ब्लॉक में भी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मेटालिक ब्लॉक में भी कुछ करंट इंड्यूस होती हैं जो सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करती हैं, और सच इंड्यूस्ड करंट्स आर नॉन एज एडी करंट्स। Eddy currents are the currents induced in the bulk piece of conductor when amount of magnetic flux linked with the conductor changes. अगर आप मेटल का एक बड़ा पीस ले लें, सॉलिड पीस ले लें, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा हो और साइज भी लार्ज हो, और उससे जब मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा तो उसमें करंट्स डेवलप होती हैं एंड द करंट्स आर नॉन एज एडी करंट्स। यहाँ इनको एडीज इसलिए कहा जाता है कि जिस टाइप से वाटर में वर्ल्स प्रोड्यूस होते हैं, वाटर जब सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू करता है ड्यू टू द टर्बुलेंट मोशन, स्विरलिंग एडीज इन वाटर, भंवर धाराएं जिसे हम बोलते हैं, तो वाटर इस टाइप से सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू कर देता है। इसी टाइप से ये करंट भी सर्कुलर फॉर्म में जनरेट होती हैं एंड सच करंट्स आर नॉन एज एडी करंट्स, और ये बल्क पीस ऑफ मैटर में ही होंगी। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट इज नॉन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, सो इट इज माइनस डी फाई बाई डी टी अपॉन आर। द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज लाइक स्वर्लिंग एडीज इन वाटर, सो सच इंड्यूस्ड करंट आर ऑल्सो कॉल्ड एडी करंट्स। ये एडी करंट्स भी क्लोज्ड पाथ बनाती हैं और सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करती हैं। हेयर आर इज ऑफर्ड बाय द बल्क पीस ऑफ मैटर। क्योंकि ये बल्क पीस में प्रोड्यूस होती हैं तो वो बल्क पीस इनके फ्लो में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज रेजिस्टेंस आर। डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ, बिकॉज ये इंडक्शन है तो ऑब्वियसली इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हुई है, तो ये इनकी जो डायरेक्शन है वो आप लेंज लॉ से दे सकते हैं। देर आर सर्टेन एप्लीकेशंस, कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, कुछ अनवांटेड हैं, तो जहाँ अनवांटेड है वहाँ हम करंट्स को कम करेंगे। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब होता है स्लो करना। अब हमें ये पता है, आपने मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर स्टडी किया था। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि करंट कैरिंग कॉयल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और ड्यू टू टॉर्क ये कॉयल रोटेट करती है। कॉयल के दोनों एंड्स पर इलास्टिक स्प्रिंग है, तो जब कॉयल रोटेट करेगी तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क के कारण वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करेगी। रेस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा, बट क्वार्ट्ज एक इलास्टिक मटेरियल है, तो इसलिए कॉइल अगर एक बार ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू कम टू रेस्ट। और आपको ये पता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रीडिंग पढ़ने के लिए कॉइल का एक जगह स्टेबल होना जरूरी है। अगर कॉइल फ्लक्चुएट करती रहेगी तो आप उसमें रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे। सो व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो थ्रू कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, कॉइल डिफ्लेक्ट एंड ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। कॉइल टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू कम टू रेस्ट, वो रेस्ट में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, लेकिन रीडिंग लेने के लिए तो जरूरी है कॉइल इंस्टेंटली रेस्ट में आ जाए। जैसे ही डिफ्लेक्ट हो, आफ्टर सम टाइम इट मस्ट कम टू रेस्ट। टू ब्रिंग द कॉइल इंस्टेंटली एट रेस्ट, कॉइल इज वाउंडेड ओवर द नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। हम उसका जो फ्रेम लेते हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का फ्रेम करते हैं, और जब करंट फ्लो होती है कॉइल से तो उस मैटेलिक फ्रेम में करंट सेटअप होती हैं, एडी करंट सेटअप होती हैं। एडी करंट्स उस कॉज को अपोज करेंगी, तो एडी करंट्स उस टर्निंग को अपोज करेगा, और उससे कॉइल इंस्टेंटली कहाँ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। इन दिस वे आप उस कॉइल के इनडेफिनेट ऑसिलेशंस को डैम्प कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, और दिस मेथड इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ओके, एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स। सेकेंड इज इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस इज यूज टू मेल्ट द मेटल्स, एंड ऑब्वियसली मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हम हीट का यूज करते हैं,
और हीट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडक्शन मेथड से। हम एक मेटलिक फ्रेम लेते हैं, मेटलिक पॉट लेते हैं और जिस मेटल को मेल्ट करना हो उसको उसमें प्लेस कर देते हैं और उसकी सराउंडिंग में जो कॉयल हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कारण जब कॉयल में करंट फ्लो होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से बिहेव करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मेटल में से पास होगा और मेटल में से जब पास होगा तो लार्ज एडी करंट्स क्या होंगी, इंड्यूस होंगी इन द मेटल्स और लार्ज इंड्यूस्ड जो लार्ज करंट है वो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। तो करंट की वैल्यू अगर हाई होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट के कारण जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो हम इस टाइप से करंट्स का यूज हीटिंग में कर सकते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं, मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं, मैग्लेव ट्रेन्स हम जिसे कहते हैं, इनमें ब्रेकिंग के लिए जहां व्हील्स नहीं होते, ये बेसिकली उन ट्रेन्स में यूज होता है जहां व्हील्स नहीं होते। तो ऐसी ट्रेन्स जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड हैं और जिनमें व्हील्स नहीं होते हैं वहां ब्रेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक ब्रेक्स का यूज करते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक्स में दो पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो ट्रेन के अंदर होते हैं और वो रेल लाइंस के जस्ट ऊपर होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली पावर ट्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सेट अप इन द ट्रेन्स जस्ट अबव द रेल्स। मैग्नेटिक ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए हम एडी करंट सेटअप करते हैं इन रेल्स अपोजिट द मोशन ऑफ ट्रेन। एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली जब ट्रेन मूवमेंट में है तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क नहीं करते। जब आप ट्रेन को स्टॉप करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इन रेलवे लाइंस के थ्रू पास होता है। रेल्स बल्क पीस ऑफ मैटर हैं तो इन रेल लाइंस में एडी करंट सेटअप होती हैं, एडी करंट सेटअप इन रेल्स, और ये जो एडी करंट्स हैं उस कॉज को अपोज करती हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अपोज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ट्रेन में फिट हैं तो वो ट्रेन के मोशन को अपोज करेंगे और सच ब्रेक्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक ब्रेक्स और इस टाइप से ट्रेन जो है इट विल कम टू रेस्ट। द अनदर एप्लीकेशन इज इन इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। हम घर में जो डोमेस्टिक यूज में जो इलेक्ट्रिक मीटर यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के मेजरमेंट के लिए कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए हम जो किलोवाट आवर मीटर्स का यूज करते हैं उसमें इंडक्शन एडी करंट्स का यूज किया जाता है। सेकेंड, इंडक्शन मोटर्स। इंडक्शन मोटर्स में जो कॉयल होती है इनके बीच में जो रोटर है, जो रोटर के अंदर जो एडी करंट्स हैं वो उस रोटर को रोटेट करती हैं और वो इंडक्शन मोटर वर्क करती है। सिक्स्थ इज स्पीडोमीटर्स। ऑटोमोबाइल्स में स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीडोमीटर, उसमें भी एडी करंट्स का यूज होता है। एंड इट इज यूज्ड इन डीप हीट ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड डायाथर्मी। तो बॉडी को हीट करके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। देर आर सम अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑल्सो। फर्स्ट, दे अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ऑब्वियसली जो एडी करंट्स हैं वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उस कॉज को अपोज करती हैं जो इनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड ऑब्वियसली मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एडी करंट्स, तो ये रिलेटिव मोशन को भी अपोज करेंगे। दे इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। करंट है तो किसी मेटल में एडी करंट सेटअप होती हैं, एडी करंट्स हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और हीट अनडिजायरेबल इफेक्ट हो सकता है मैक्सिमम केसेस में। इंडक्शन फर्नेस में ये रिक्वायर्ड है बट सम केसेस इट इज नॉट डिजायर्ड, तो वहां पर ये हीट एनर्जी की फॉर्म में लूज हो जाती है। द एक्सेसिव हीट में ब्रेक द इंसुलेशन ऑफ अप्लाइंसेस। अगर हीट का अमाउंट ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का जो इंसुलेशन है उसको भी ब्रेक कर सकता है। तो जहां पर ये डिजायर्ड नहीं है, वेयर इट इज नॉट डिजायरेबल, वहां हम एडी करंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट टॉपिक देखें, एडी करंट्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर आप एडी करंट्स को कम करना चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मेटालिक पीस जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उस रेजिस्टेंस को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा।
और रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का क्या मेथड है? रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो आप करंट उसके पाथ को इंक्रीज करके आप क्या कर सकते हैं, लेंथ बढ़ा सकते हैं, उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करके आप रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। सो टू मिनिमाइज एडी करंट्स द कोर ऑफ कॉइल इज फॉर्म्ड बाय थिन म्यूचुअली इंसुलेटेड मेटालिक शीट। हम एक सॉलिड कोर ना लेकर के उस कोर को बनाने के लिए थिन शीट्स का यूज करेंगे, और ये जो थिन शीट्स हैं ये म्यूचुअली इंसुलेटेड हैं, मेटालिक हैं। एक थिन शीट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस होने से जो रेजिस्टेंस है दैट बिकम्स लार्ज। लेमिनेटेड शीट्स आर म्यूचुअली पैरेलल एंड इंसुलेटेड, एक शीट का दूसरे शीट से कॉन्टैक्ट नहीं है। दिस इज द सॉलिड कोर एंड दिस इज द लेमिनेटेड कोर। तो ये थिन शीट्स को पैरेलल रख करके एक मेटालिक फ्रेम बनाया जाता है। द लार्ज रेजिस्टेंस बिटवीन थिन शीट्स, रेजिस्टेंस लार्ज है, क्यों लार्ज है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल हो गया। कन्फाइंस द एडी करंट्स टू द इंडिविजुअल शीट, तो इससे के कारण क्या होता है कि हर लेमिनेटेड शीट दूसरी शीट से सेपरेटेड है, तो एडी करंट्स जो प्रोड्यूस होंगी वो कन्फाइंड रहेंगी इंडिविजुअल शीट तक। एक शीट के अंदर जो करंट डेवलप होंगी वो दूसरी शीट पर नहीं जाएगी, क्योंकि बीच में इंसुलेशन है, लेमिनेशन है, तो वो सिर्फ कन्फाइंड रहेंगी टू द इंडिविजुअल शीट्स ओनली। और इन दिस वे एडी करंट्स गेट रिड्यूस टू ए लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस लार्ज है तो एडी करंट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल होगा, और एक शीट का जो एडी करंट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरी शीट के एडी करंट के मैग्नीट्यूड से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एडी करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं टू ए लार्ज एक्सटेंट। सो दिस वाज द टॉपिक एडी करंट्स। इस पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो वी विल समराइज सम सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।